हेलो एवरीवन, मेरा क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -3 टू -1 टू 3 बाई 2 मॉडुलस ऑफ एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। हमें यहाँ से क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ से इसको आई पुट कर लेते हैं। आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा -1 टू क्या हो जाएगा, दिस इज 3 बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इंटू क्या हो जाएगा, दिस इज साइन पाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं कि साइन इसका साइन पाई एक्स लिखा, साइन पाई एक्स मतलब एक्स इक्वल टू क्या होगा, जब वन होगा एक्स इक्वल टू वन पे क्या होगा, ये जीरो होगा। तो साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, मतलब एक्स इक्वल टू वन पुट करें जब साइन पाई जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इसका नेचर कहाँ पर चेंज होगा, एक्स इक्वल टू वन पे चेंज होगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम क्या हो जाएगा -1 टू क्या हो जाएगा 1। इस पार्ट हम इसको ब्रेक करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स में क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स हो जाएगा इंटू में क्या डी ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू क्या 3 बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू में क्या साइन पाई एक्स और इंटू में क्या डी ऑफ एक्स आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ से क्या -1 से 1 लिखा है, तो अगर हम यहाँ से x क्या बात करते हैं, जब x बिलोंग्स टू क्या होगा -1 इज लेस देन होना, x x इज लेस देन क्या 0 होगा, तो क्योंकि 0 से 1 के बीच में sin x sin पाई क्या यहाँ से क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इसको भी हम x पॉजिटिव होगा दोनों से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी हम क्या करते हैं, -1 से 0 की बात करते हैं, अगर यहाँ पर तो क्या हो जाएगा -1 से लेकर 0 के बीच में इसकी वैल्यू क्या sin x क्या लेस देन 0 हो गया। तो अगर इसमें बोथ साइड क्या करते हैं पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगा -पाई हो जाएगा इज लेस देन क्या हो जाएगा, दिस इज पाई एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। तो अगर हम बोथ साइड क्या लेते हैं साइन पाई, तो यहाँ से साइन पाई क्या हो जाएगा, क्या इस रेंज में हम क्या बात करें, जो साइन पाई होगा हमारा साइन पाई एक्स क्या होगा लेस देन क्या होगा 0 होगा, और हम यहाँ पे एक्स क्या दे रखा है, एक्स लेस देन 0 दिया हुआ है। अगर इन दोनों का हम कंबाइन रिजल्ट की बात करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या साइन क्या पाई एक्स हो जाएगा, साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से ग्रेटर देन क्या 0 आ जाएगा। ग्रेटर देन 0 आ जाएगा मतलब कि 0 से 1 के बीच में तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा ही, और यहाँ पे क्या है ये पॉजिटिव मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा क्या 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन क्या 3 बाई 2 हो जाएगा, जो पाई एक्स होगा, पाई अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा पाई एक्स हो जाएगा लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ से 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी पाई से क्या 3 पाई बाई 2, मतलब यहाँ पे साइन पाई एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा। कौन से रेंज में आ गए हम यहाँ पर, हम यहाँ पाई सी का 3 पाई बाई 2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज साइन पाई एक्स हो जाएगा क्या लेस देन 0 हो जाएगा, और हमें यहाँ पे क्या देखा एक्स क्या ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है इस रेंज में। तो एक्स इंटू में क्या साइन पाई एक्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, एक्स इंटू साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से लेस देन 0 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से आई की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम क्या -1 टू हो जाएगा 1, और क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हो जाएगा एक्स इंटू में क्या साइन पाई एक्स हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा डी एक्स, और प्लस क्या वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू क्या हो जाएगा 3 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस में माइनस एक्स साइन पाई एक्स साथ ओपन होगा, जिसकी वैल्यू प्लस माइनस यहाँ से क्या माइनस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ से साइन में क्या पाई एक्स इंटू में क्या डी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ एक इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो पहले इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू a f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या x dx आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हो जाएगा f ऑफ क्या -x हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, जब एफ ऑफ एक्स होगा तब ये कंडीशन बनेगी, और एफ ऑफ जब माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ से एफ ऑफ माइनस यहाँ पे क्या होगा माइनस में एफ ऑफ एक्स होगा तब ये होगा। ये क्या इवन फंक्शन की कंडीशन को शो कर रहा है, और ये क्या कर रहा है यहाँ से ऑड फंक्शन की कंडीशन को शो कर रहा है यहाँ पर। तो हम कुछ इसको इस तरीके से राइट डाउन करेंगे। तो जब यहाँ पे हम इसको अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो एफ ऑफ एक्स में क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया x इंटू में क्या साइन पाई x दिया हुआ है x, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे x इक्वल टू क्या माइनस एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी f ऑफ हो जाएगा यहाँ से माइनस एक्स
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू हो जाएगा, यहाँ से क्या, दिस इज साइन पाई माइनस पाई एक्स है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा साइन पाई एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब कि कौन सी कंडीशन हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। तो इसको जब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ हो जाएगा, यहाँ से क्या एक्स इंटू में क्या साइन पाई एक्स और इंटू में क्या डी ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस फिर माइनस होगा वन फ्रॉम क्या, वन टू क्या हो जाएगा थ्री बाई टू, और यहाँ पे क्या एक्स इंटू में क्या हो जाएगा साइन पाई एक्स और यहाँ पे क्या डी ऑफ एक्स आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट में से क्या हो जाएगा, ए इंटू अगर हमें बी लिखा है इंटू में क्या डी ऑफ एक्स दिया, तो जब इसको यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे आई लेट, यहाँ पे पहले फॉर्मूला रेड्यूम करते हैं फिर डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला होता है बी इंटू में क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा डी ऑफ ए डिवाइड बाई डी एक्स इंटू में क्या हो जाएगा दिस इज बी डी एक्स हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ से डी ऑफ एक्स हो जाएगा। इसमें हम क्या आई लेट अप्लाई करेंगे, आई लेट मतलब जो पहले आएगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो बाद में आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आई लेट एल पहले आ रहा है टी बाद में आ रहा है, तो एल को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी को क्या इंटीग्रेट करेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन पाई एक्स हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से इंटीग्रेट करना है, तो हम यहाँ से आई की क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, हो जाएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से दिस इज इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें हम, ये क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ यहाँ पे रहेगा क्या एक्स इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम साइन पाई एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी ऑफ हो जाएगा डी एक्स अपन हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन पाई क्या एक्स हो जाएगा और इंटू में क्या डी ऑफ एक्स आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा, और इसकी लिमिट क्या लिखेंगे जीरो टू वन राइट डाउन करते हैं, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स इंटू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम क्या हो जाएगा डी ऑफ हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई आ जाएगा यहाँ से क्या डी एक्स, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हो जाएगा दिस इज साइन हो जाएगा क्या पाई एक्स और इंटू में क्या डी ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या डी एक्स आ जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से वन टू क्या हो जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा। इसको हम कुछ इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं, तो हम यहाँ से आई की क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद होना चाहिए कि अगर क्या है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी इंटू में क्या डी ऑफ एक्स दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा वन बाई हो जाएगा ए इंटू में क्या आ जाएगा माइनस कॉस, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ दिस हो जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस में क्या होगा बी प्लस कॉन्स्टेंट सी होगा, ये इंटीग्रेशन होगा इसका। जब इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा दिस इज टू टाइम्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या एक्स एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा माइनस एक्स कॉस पाई एक्स आ जाएगा, और होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ से पाई माइनस, इसको जब यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से वन हो जाएगा, और ये क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस पाई एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई क्या पाई रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या डी ऑफ एक्स, और लिमिट क्या हो जाएगी जीरो टू वन हो जाएगी माइनस। सेम इसको भी जब यहाँ से इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स इंटू में क्या साइन पाई एक्स हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ से पाई प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको क्या, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया कॉस पाई एक्स हो गया, जब हम यहाँ से इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ से क्या कॉस पाई आएगा, कॉस पाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस पाई ऑफ हो जाएगा एक्स अपान हो जाएगा फाई इंटू में क्या डी ऑफ एक्स हो जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से वन, लिमिट फ्रॉम वन टू क्या थ्री बाई टू हो जाएगा। इसको जब यहाँ से हम सॉल्व करें तो क्या वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगा इस इक्वल टू क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या दिस इज माइनस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ से क्या कॉस पाई एक्स डिवाइड बाई हो जाएगा पाई, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा क्या साइन पाई एक्स
क्या हो जाएगा यहाँ से साइन पाई एक्स अपान में क्या हो जाएगा यहाँ से पाई स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगी जीरो टू वन हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस में क्या दिया है बी दिया है और इंटू में क्या डी ऑफ एक्स दिया, तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हो जाएगा वन बाई हो जाएगा ए इंटू में क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस में हो जाएगा बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू इसको माइनस साइन इसलिए हमें यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट किया कॉस पाई एक्स को क्या आ गया वन अपन पाई इंटू क्या आ गया साइन पाई एक्स आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या पाई स्क्वायर हो गया है। सिमिलरली जब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हो जाएगा एक्स कॉस हो जाएगा क्या माइनस पाई एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई क्या पाई रहेगा प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये साइन पाई हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई क्या पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ से लिमिट फ्रॉम वन टू क्या थ्री बाई टू हो जाएगी। और हम यहाँ से i की क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल टू हो जाएगी जब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस वन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा वन अपान में पाई प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ से साइन पाई हो जाएगा साइन पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है यहाँ से जीरो आ जाएगा ये क्या हो गया अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट ये तो क्या हो जाएगा लोअर लिमिट ऑलरेडी क्या जीरो ही आ जाएगा तो इसको हम इस तरीके से राइट डाउन करेंगे माइनस फिर यहाँ पे जब जाएंगे तो इसको थ्री बाई टू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में क्या आ जाएगा थ्री अपान में क्या हो जाएगा टू पाई हो जाएगा और कॉस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से थ्री पाई बाई टू आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन में क्या हो जाएगा थ्री पाई बाई क्या टू अपान में क्या आ जाएगा यहाँ से पाई स्क्वायर ये क्या हो गया अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्स कोल टू क्या वन पुट करेंगे जब एक्स कोल टू वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस पाई हो जाएगा यहाँ पे क्या माइनस वन रहेगा माइनस वन इंटू में कॉस पाई की वैल्यू क्या माइनस वन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा फिर यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमें अगेन वन अपान में क्या पाई आ जाएगा वन अपान हो जाएगा पाई और प्लस में क्या हो जाएगा साइन पाई बाई जीरो हो जाएगा साइन पाई बाई जीरो मीन्स साइन पाई अपन पाई स्क्वायर साइन पाई क्या जीरो होगा ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से जीरो हो जाएगी। तो अब जब यहाँ से उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से i क्या फाइंड आउट हो जाएगा ये हो जाएगा टू अपान में पाई आ जाएगा टू अपान हो जाएगा पाई और ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से ये जीरो हो जाएगा। साइन थ्री पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन होगा माइनस वन अपान पाई स्क्वायर होगा लेकिन इस माइनस बेस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा वन अपान क्या हो जाएगा यहाँ से पाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी हमें माइनस दिया है और इस माइनस को सिंप्लीफाई करें क्या हो जाएगा प्लस तो यहाँ से क्या आ जाएगा वन अपान में क्या पाई स्क्वायर फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से थ्री अपान हो जाएगा क्या पाई और प्लस हो जाएगा यहाँ से वन अपान में क्या पाई स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा।